दर्शन न्यूज। सारण जिले के माझी महिला एवं बाल विकास निगम पदाधिकारी निभा कुमारी, CDPO माझी चंद्रा कांति कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी के दिशा निर्देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मंगलवार को माझी प्रखंड स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय के छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा कई स्लोगन के साथ रंगोली बनवाए गए, जिसमें पढ़ेंगे पढ़ाएंगे साक्षर भारत बनाएंगे, दीप से दीप चलाएंगे साक्षर समाज बनाएंगे, साक्षरता हमें जगाती है शोषण से बचाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बच्चा पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा, पोषण भी पढ़ाई भी, सक्षम नारी सशक्त भारत जैसे कई नारे छात्राओं के द्वारा लगाए गए। उसके 50 छात्राओं के समूह के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देना साक्षरता से संबंधित पेंटिंग छात्राओं के द्वारा बनाया गया। छात्राओं के द्वारा बनाए गए पेंटिंग पर निर्णायक मंडली के द्वारा अच्छे पेंटिंग एवं बेहतर प्रस्तुति देने वाले समूह को क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान दिया गया। टॉप 3 के बीच थैले में साबुन सैनिटरी नैपकिन एग्जाम पैड तौलिया दिया गया। वहीं प्रस्तुति माता कन्या जन्म उत्सव पर हिमालय जॉनसन किट्स वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला परियोजना पदाधिकारी निभा कुमारी ने बताया कि बेटियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पास होने के बाद आगे की शिक्षा जारी रखने और नए समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने विद्यालय की बालिकाओं को कानूनी अधिकार, बाल शोषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या रोकथाम, महिला सुरक्षा संबंधी कानून एवं टोल फ्री नंबर आदि के बारे में भी जानकारी दिया। हिंसा के बारे में अपने अभिभावकों को अवश्य बनाना चाहिए। इस अवसर पर रिजवान अहमद संचालक, वंदना विद्यार्थी, हिना परवीन, अर्चना, सीमा रूपाली, सोनाली कुमारी, अभय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। सारण से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और जिला हब फॉर इम्पॉर्टमेंट की ओर से 10 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है बच्चियों के महत्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी बच्चियों को अभी लड़का और लड़की में कितना भी हम लोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक रेशियो बराबर नहीं हो पा रहा है, ना ही बालिका पर हत्या रुक रही है ना बच्चियों को पढ़ाई में समान अधिकार मिल रहा है। तो हर साल ये 10 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया जाता है बच्चों के बालिकाओं के महत्व को समाज में बढ़ाने के लिए, ताकि सभी लोग और इसके तहत ही आज ये जो माताएं बैठी हुई हैं इन सभी को जिला प्रशासन की ओर से ये बधाई संदेश दिया जाएगा और साथ ही ये बेबी किट का वितरण किया जाएगा इन लोगों के बीच में, ताकि सभी लोग अपने बच्चियों को समान रूप से प्यार दें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और बच्चियों के को गर्भ में ना, साथ ही जो हमारी किशोरी बालिकाएं हैं उनको महावाड़ी स्वच्छता प्रबंधन के तहत उनको हाइजीन के प्रति सेंसिटाइज करने के लिए अवेयर करने के लिए 50 बच्चियों को MHM किट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट किट का वितरण किया जाएगा, जो कि हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मैडम की अध्यक्षता में हम लोग करवाएंगे और इसका समापन जो है वो 16 तारीख को जिला लेवल पे होगा। प्रेक्षक अभी जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोग ले रहे हैं, अभी दिन तय नहीं हुआ है लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि 16 तारीख को हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो इसके तहत ही सभी प्रखंडों के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने प्लान बना के किया, ताकि ये बच्चियां जान सके कि उनका समाज में क्या रोल है, कितना महत्व है और ये अपने महत्व को पहचाने और बच्चियों को समाज में एकदम पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने दिया जा रही है। थैंक यू। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन हुई हैं, सभी LS हैं, पत्रकार महोदय हैं, कस्तूरबा विद्यालय के संचालक हैं, कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियाँ साथ साथ स्कूल की भी बच्चियाँ हैं, कुछ लगता है शिक्षिकाएँ भी हैं, कुछ आंगनबाड़ी सेविका भी है और इतने लाभुक हैं बच्चियों के साथ तो और सभी किशोरी बालिकाएँ, सबका आप लोगों का यहाँ स्वागत है। ये सब जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है ये मूल रूप से ये सभी कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
जानकारी देना या उनके जानकारी को और अपग्रेड करना। ये एक छोटा सा किट देने से एक बच्ची की माँ को कुछ नहीं होना है। ये जो एक हम लोग किट देंगे किशोरी को उससे भी कुछ नहीं होना। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। ठीक है, एक महिला के लिए किट का क्या इम्पोर्टेंस है, एक बालिका के लिए किट का क्या इम्पोर्टेंस है बोले। तो हम लोग यहाँ पर ये 50 बच्चियाँ हैं, 50 से 100, 100 से 200 स्कूल में। बेसिकली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है। ठीक है, ये किट दे करके तो हम लोग उसी के प्रति अवेयर करने का कोशिश कर रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चियाँ जो हमारे आज के तारीख में हमारे देश में पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है, और छपरा एक ऐसा जिला है जिसमें ये संख्या और भी ज्यादा कम है। बिहार रेड जोन में है 1000 के साथ है। कि आज अगर आपको बेटी लग रही है कि मेरे ऊपर भारी है, ठीक है, तो कल आप बहु बाहर से लाइएगा सरस्वती। ठीक है, अगर किसी की बेटी उसके माँ बाप के लिए आप अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से लाइएगा, ये भी इसी समाज को सोचना। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है अनुपात, लिंग अनुपात महिला पुरुषों और महिलाओं को समान रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा सेक्स रेशियो का इम्बैलेंस होने के वजह से, ये अनुपात सही नहीं रहने के वजह से सबसे ज़्यादा इसका असर महिलाओं पर पड़ रहा है। उसका एक मूल आपको साथ दिखने को मिलेगा, रेप केसेस का बढ़ना। ठीक है, उसके बाद बच्चियों को अपने बारे में या उससे किसी भी निजी बातों को भी बात करने में, उसके बारे में उससे बात करने में किसी भी माता पिता को संकोच ना होना चाहिए, खास करके माँ। ठीक है, और वो आप बच्चे को जब वो धीरे धीरे बच्ची जब बड़ी होती है उसके साथ जैसे एक पिता अपने बेटों के साथ बाप से ज़्यादा फ्रेंड हो जाते हैं, ठीक है, एक पिता से ज़्यादा दोस्त हो जाते हैं, इसी तरह से बच्चियों के साथ भी उसकी माँ से ज़्यादा बहन और एक दोस्त हो जाती है। जब ये हो जाएगा तब उनको अपने बारे में, अपने शरीर के समस्या के बारे में विशेष जानकारी होते जाएगी, और उनके साथ क्या सही या गलत जो भी हो रहा है वो किसी न किसी से बात कर पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसके साथ एक सख्त माता पिता ना हो करके उसके साथ बच्चों बेटों और बेटियों के साथ वो एक आपके दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। तो ये पूरा कार्यक्रम हम लोग जो भी यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी, बच्ची को बहुत दिक्कत हो रहा है, कि हम लोग ये समाज को जागरूक करने के लिए है। और ये लिंग अनुपात सोच लीजिएगा, जो भी आज पता होने पर कि माँ के गर्भ में लड़की है, भ्रूण हत्या हो रही है, सोच लीजिएगा कि आपके घर में जो बेटे हैं उसके लिए बहुत कहाँ से लाइए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऐसा होता है कि बोझ बनकर हर किसी के
बेटियां भी आगे बढ़कर कुछ न कुछ कर रही है, बेटे भी करते हैं, लेकिन आज के अभी के समय में बेटियां बहुत चालू है और बच्चियों को जानकारी होती है कि हाँ बच्ची है। आजकल अभी जांच करा रहे हैं जहाँ कहाँ, उसके बाद में लगता है समझ में आ रहा है कि हाँ लड़की है तो उसको कराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत आगे ये जो बढ़ रहा है, जो बच्चियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है और जहाँ तहाँ यहाँ पर शिक्षा विभाग में कस्तूरबा है चाहे और भी विद्यालय हैं, तो सभी को पढ़ाने के लिए सरकार बहुत अनेक सुविधाएं दे रही है। पढ़ाई के मामले में पहले जो हम लोग पढ़ते थे उस समय कोई सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उस समय अकेले हम जाते थे 2-3 किलोमीटर आगे स्कूल, हाई स्कूल मिडिल स्कूल नज़दीक में था, लेकिन हाई स्कूल में जब जाते, पापा अभी हाई स्कूल के मास्टर थे, वो अपने साइकिल पर बैठा कर उसको ले जाते थे, वहाँ लड़कियाँ नहीं थी, लेकिन अकेले हम वहाँ पढ़े। उसके बाद में हरदी हाई स्कूल जो आप लोग सुने हुए हैं ना मधेपुर ब्लॉक में, तो वहाँ पर अब लड़कियाँ भी ज़्यादा है। तो उस समय न भोजन का व्यवस्था था, न कपड़ा का व्यवस्था था, न साइकिल का व्यवस्था था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सरकार अनेक योजनाएं चालू कर दी हैं और बच्चों के भविष्य के लिए सभी को इतने अच्छे से ड्रेस के ड्रेस जो भी हो हर चीज़ की सुविधाएँ दे रही हैं। और हमारा कहना है कि सभी बच्चियाँ सभी अभिभावक बच्चे को दे ध्यान दें और इसमें बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए।